तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन कॉइन मिल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 रुपए के इन बड़े सिक्कों के बारे में। क्या दोस्तों आप इन सिक्कों को बेचकर लाखों रुपए तक पा सकते हैं? YouTube पर कई सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें इन 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्कों को लाखों रुपए तक का बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे 2 रुपए के कौन से सिक्के हैं जो आपको सबसे ज्यादा कीमत दिला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि इसी तरह हम आपके फायदे की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों क्या आपको पता है कि 2 रुपए के सबसे पहले सिक्के भारत में कब चलाए गए थे? भारत में सबसे पहले 1982 में ऐसे 2 रुपए के नेशनल इंटीग्रेशन वाले सिक्के ही जारी हुए हैं सबसे पहले, और तब इन सिक्कों को कमेमोरेटिव कॉइन्स के तौर पर ही लॉन्च किया गया था, जिन्हें हम हिंदी में स्मारक सिक्के के नाम से भी जानते हैं। और ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन वाले सिक्के दोबारा जारी किए गए 1990 में, पर तब ये सिक्के जारी किए गए नॉर्मल इशू में, यानी तब इन कॉइन्स को कमेमोरेटिव कॉइन्स की जगह नॉर्मल कॉइन्स की तरह जारी किया गया। और 1992 से लेकर 2004 के बीच ऐसे सिक्के जारी हुए, पर उनके साइज को कम कर दिया गया और इसके साथ ही उनके वेट में भी कमी की गई। पर आज की इस वीडियो में हम इन छोटे सिक्कों की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे इन बड़े सिक्कों के बारे में। तो इन सिक्कों का जो वजन है वो है 8 ग्राम, और इन सिक्कों में जो धातु इस्तेमाल की गई है वो है कॉपर और निकल। सिक्के के एक भाग पर आप अशोक स्तंभ को बना हुआ देख सकते हैं और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। साथ ही सिक्के पर आप भारत और इंडिया हिंदी व अंग्रेजी में लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 2 रुपए हिंदी व अंग्रेजी में अंकित किया गया है। सिक्के के दूसरे भाग पर आप भारत के मानचित्र को देख सकते हैं और इसके अंदर बनाया गया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। और सिक्के के ऊपरी भाग पर आप हिंदी में राष्ट्रीय एकता तथा निचले भाग पर नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। साथ ही यहां पर सिक्के के बनने का सन और उसका मिंटमार्क अंकित किया गया है। 1982 में जारी हुए ऐसे 2 रुपए के सिक्कों को बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में तैयार किया गया था, और 1990 में जारी सिक्कों को बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंटों से जारी किया गया था। और अब नजर डालते हैं सिक्कों के निचले भाग यानी इसकी एजेस की तरफ। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन एजेस को कहा जाता है सिक्योरिटी एजेस। पर ऐसे 1990 के सिक्के में 2 तरह की एजेस की वैरायटी आती है, जिनमें आपको ऐसे कुछ स्मूथ एजेस वाले सिक्के भी मिल जाएंगे जिनको काफी रेयर माना जाता है। यानी कॉमन सिक्कों में आपको कुछ इस तरह के एजेस देखने को मिलेंगे, जबकि कुछ कॉइन्स में ऐसे स्मूथ एजेस वाले सिक्के भी बाजार में आ चुके हैं। और इसके साथ ही 1990 के हैदराबाद मिंट वाले सिक्के भी 2 वेराइटीज में आए थे, जिनमें कुछ सिक्कों पर आप ऐसे रीडेड एजेस वाले सिक्के भी देख पाएंगे, और ऐसे सिक्कों को भी रेयर माना जाता है। इन सिक्कों की कीमत के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको 2 रुपए के एक बहुत ही ज्यादा रेयर सिक्के यानी एक पैटर्न कॉइन के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों स्क्रीन पर आप 2 रुपए का एक सिक्का देख सकते हैं जिसे जारी किया गया था 1984 में, पर ये आम चलन में कभी भी नहीं आया। और इस सिक्के का जो डिजाइन था वो था इस 50 पैसे के सिक्के के जैसा, और ये सिक्का बनाया गया था बर्मिंघम की हैथन मिंट में। और इस सिक्के का जो वजन था वो काफी ज्यादा था, वजन में सिक्का था 12.6 ग्राम का, यानी 5 रुपए के इन बड़े सिक्कों के समान। और इस कॉइन को नीलाम किया गया एक बड़े कॉइन ऑक्शन में $5,250 में, यानी इसे आप रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी कीमत होगी ₹3,88,000। तो ये तो बात थी इस पैटर्न कॉइन की। तो अब हम बात कर लेते हैं ऐसे 2 रुपए के सिक्कों की कि कितनी कीमत आपको ऐसे सिक्कों की मिल सकती है। तो 1990 में जारी ऐसा एक कॉइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये 1990 में जारी हुआ एक ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है, यानी इसे कॉपर निकल की जगह अल्मोनियम पर ढाला गया था, और इसे तोड़ी वाला ऑक्शन हाउस ने 66,000 रुपए में ऑक्शन किया गया है। और बात करें ऐसे 1982 और 1990 वाले कॉमन सिक्कों के बारे में, तो ऐसे यूएनसी कंडीशन वाले सिक्कों की आपको मैक्सिमम जो कीमत है वो ₹50 से ₹60 तक मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात आती है आप ऐसे रेयर सिक्कों को कैसे सेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट indiancoinmail.com का यूज करके अपने नोटों सिक्कों को सेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर गूगल पर indiancoinmail.com आप सर्च करेंगे तो वहां से भी आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।